इन स्टूडेंट्स को बॉटनी ऑप्शन लेना चाहिए और बॉटनी ऑप्शन लेने के क्या फायदे हैं और कौन कौन सी बुक्स आपको रेफरेंस करनी है ड्यूरिंग योर बॉटनी ऑप्शनल प्रिपरेशन के लिए और क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं बॉटनी ऑप्शनल और विद जीएस के लिए और कैसे कैसे क्वेश्चन जो है आपको वो इंटरव्यू में हेल्प करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, हाउज यू? आई होप यू ऑल आर वेल। एंड आज मैं आपके सामने बॉटनी ऑप्शन के लिए मैं बात करूंगी, किन स्टूडेंट्स को बॉटनी ऑप्शन लेना चाहिए और बॉटनी ऑप्शन लेने के क्या फायदे हैं और कौन कौन सी बुक्स आपको रेफरेंस करनी है ड्यूरिंग योर बॉटनी ऑप्शनल प्रिपरेशन के लिए और क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं बॉटनी ऑप्शनल और विद जीएस के लिए और कैसे कैसे क्वेश्चन जो है आपको वो इंटरव्यू में हेल्प करेंगे, तो आप उसी के बारे में बात करेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, तो लेट्स बात करते हैं उसके बारे में। तो फर्स्ट हमारे पास है कि कंपैरिजन एंड सिमिलैरिटी विद द अदर सब्जेक्ट। जो बच्चा बॉटनी ऑप्शनल लेता है या उसने कभी बॉटनी पढ़ी है, लाइफ साइंसेज का स्टूडेंट है, 11th 12th में उसने साइंस बायो पढ़ी होगी और एज वेल एज दी ग्रेजुएशन में भी बायो पढ़ी होगी, तो दे वुड नो कि वो अगर बॉटनी ऑप्शन लेते हैं तो दे विल स्टडी अबाउट दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एप्लीकेशन क्या होती है एग्रीकल्चर में। जो बॉटनी ऑप्शन का सब्जेक्ट है वो लिटिल बिट एग्रीकल्चर से थोड़ा थोड़ा सेम है, एज वेल एज दी एंथ्रोपोलॉजी का जो जेनेटिक्स पार्ट है दैट इज लिटिल बिट सिमिलर टू दी योर बॉटनी ऑप्शनल, एज वेल एज दी कंट्रोल ऑफ सॉइल वाटर पॉल्यूशन। जो वाटर पॉल्यूशन, कंट्रोल ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, ये सब क्या है, लिटिल बिट जीएस से रिलेटेड है। एज वेल एज द पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दी IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए, तो उसके लिए एक सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, दो पेपर होते हैं तो वो एक बॉटनी ऑप्शन भी चूज कर सकता है। जो हाईएस्ट स्कोरिंग रहता है अगर उसने बॉटनी ग्रेजुएशन में पढ़ी है और वो IFS के लिए करता प्रिपरेशन कर रहा है तो सबसे ज़्यादा बच्चे क्या लेते हैं, बॉटनी ऑप्शन लेते हैं, क्योंकि बॉटनी ऑप्शन बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, आपको लिमिट में ही चीज़ें राइट करनी है एग्जाम में और टाइम ड्यूरेशन क्या रहती है। अगर आप एक साइंस बैकग्राउंड से हैं, आपने थोड़ी बहुत भी बायो पढ़ी है तो आपके लिए मैं मान लो कि आपको दोबारा से चीज़ें रिवाइज करने के लिए इट विल टेक 4 to 5 months बिकॉज बॉटनी ऑप्शनल इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट एंड इट इज ब्रांच ऑफ द साइंस। तो साइंस में क्या है, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट क्या है ये बहुत ज़्यादा है, आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा रटनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा डायग्राम जो क्या करने पड़ेंगे, प्रिपेयर करने पड़ेंगे, बना बना के देखने पड़ेंगे एक बार से। अब है कि बॉटनी ऑप्शनल किन लोगों को लेना चाहिए। जिन बच्चों ने अपने 11th 12th में और ग्रेजुएशन में उन्होंने लाइफ साइंसेस आइदर दे आर फ्रॉम दी क्या कहते हैं आप, बैकग्राउंड जो है आपकी उनकी साइंस बैकग्राउंड है या फिर लाइफ साइंसेस के हैं, वो सिंपल एक तो बेसिक साइंस वाले बच्चे होते हैं या फिर ऑनर्स वाले बच्चे हैं, तो वो बॉटनी ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। आइदर यू आर फ्रॉम दी फार्मा बायोटेक, अगर बायोटेक है या बॉटनी आपका कोर सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में, तो उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा फायदा है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आइदर द स्टूडेंट हु इज़ रिलेटेड टू द मेडिसिन, उनके लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज वो प्लांट को ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, वो दे आर लिटिल रिलेटेड टू द ह्यूमन, तो वो जूलॉजी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। और बेसिकली हमारे जो बॉटनी ऑप्शन रहेगा उसमें हमारे पास क्या होंगे, दो पेपर होंगे, दैट इज दी जीएस पेपर 1 एंड पेपर 2 रहेगा। आपके जो पेपर 1 में है क्या है, 5 units आएंगी और जो रेस्ट रहती है वो आपकी क्या आएंगी, पेपर 2 में आएंगी। जो आपके पेपर 1 में होंगे देयर विल बी अ 5 questions, पेपर 1 में जो आपके 5 questions होंगे दैट विल बी कंपल्सरी और जो पेपर 2 में होंगे देयर विल बी अ 3 questions एंड यू हैव टू डू 1। और जो आपका टोटल पेपर रहेगा, पेपर 1 आपका रहेगा 250 marks का और जो पेपर 2 रहेगा वो भी कितना रहेगा, 250 marks का, मतलब एक मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है 15 marks का। अगर सिंगल सिंगल ए बी सी बात करूं तो सिंगल सिंगल क्वेश्चन भी 15 marks का होगा, तो इस हिसाब से वेटेज चलेगी
एक पेपर 250 मार्क्स का, दूसरा पेपर भी कितना होगा 250 मार्क्स का। अब जो आपने बॉटनी पढ़ भी रखी है तो आपको किन जो टॉपिक्स है उस पर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत है, दैट इज दी जेनेटिक्स, जेनेटिक्स एज वेल एज दी जो कोर बॉटनी है दैट इज दी क्रिप्टोगैम्स, फिनेरोगैम्स, इस पर आपको ज्यादा कंसंट्रेशन करने की जरूरत है, एज वेल एज दी लाइक जैसे टॉपिक्स हैं सेल बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं आपके, सेल बायोलॉजी, ये मैंने आपको बता दिया कि एकेडमिक बैकग्राउंड आपका क्या होना चाहिए, साइंस होना चाहिए तभी आप बॉटनी लो, अदरवाइज देयर इज नो अदर ऑप्शन कि आप इस बॉटनी में आप बॉटनी अपना ऑप्शनल ले। अब क्या है कि ओवरलैपिंग सिलेबस विद दी जीएस, जो हमारा जीएस एससे है उसमें से क्या क्या हमारा ओवरलैप करता है बॉटनी ऑप्शन के लिए, आइदर यू आर स्टूडेंट ऑफ दी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के, अगर आप ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट हैं या साइंस बैकग्राउंड के हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत भी बायो पढ़ रखी है, सो ह्यूमैनिटी के लिए तो क्या होगा कि अगर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के कुछ टॉपिक्स हैं जो बॉटनी ऑप्शनल में नॉट इन वेरी डिटेल बट थोड़ा बहुत है कोरिलेशन है, बट जिन्होंने साइंस ले रखी है उनके लिए क्या है लाइक बेसिक्स ऑफ सेल साइकिल, और उनका जो साइंस बैकग्राउंड है उन्होंने ऑप्शन भी अपना साइंस रिलेटेड ही चूज किया है लाइक बॉटनी जूलॉजी, सो बेसिक्स ऑफ सेल साइकिल, टेक्निक्स ऑफ द सेल बायो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, क्रॉप डिजीज, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो हम बेसिक जीएस जो ह्यूमैनिटी वाले बच्चे भी उसको क्या करते हैं रीड करते हैं, इनवेसिव स्पीशीज, ये सब के पार्ट क्या है आपके प्रीलिम्स के पार्ट भी हैं एज वेल एज दी जीएस पेपर 3 के, और जो रिलेटेड आपके इनहेरिटेंस हो गया थोड़ी बहुत जेनेटिक्स हो गई, इसमें जो आपका करंट अफेयर चल रहा है क्या नई डिस्कवरी हुई, किस साइंटिस्ट को अवार्ड मिला, ये सब आपके प्रीलिम्स में आपको लिखना होता है, प्रीलिम्स में आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, और जीएस में आपको क्या है आपको लिखना होगा उसके बारे में, मेंशन करना होगा एग्जाम में, दैट इज इन दी पेपर जीएस 3 में। अब क्वेश्चंस कैसे, अगर आप बॉटनी ऑप्शनल लेते हैं तो कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है आपको वो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, लाइक दे विल आस्क यू लाइक प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के बारे में पूछ सकते हैं, प्लांट सक्सेशन क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल रिलेटेड टू सेल बायोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ द जीन्स, डीएनए सिक्वेंसिंग क्या होती है, रिसेंट क्या उसके ऊपर एडवांसमेंट है, एज वेल एज द एनर्जी प्लांटेशन, एनर्जी ट्रांसफर एंड प्लांट इंडिकेटर्स, देर आर सम टॉपिक्स जो क्या है डिस्कशन टॉपिक है और वो करंट अफेयर भी कब चलते रहते हैं हमारी डेली लाइफ में। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स हैं ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन यू कैन रेफर इफ यू आर एसोसिएटेड विद एनी कोचिंग, एंड डू नॉट रेफर एनी कोचिंग स्टडी मटीरियल, फर्स्टली गो थ्रू दी बुक्स एज वेल एज दी इफ यू आर टेकिंग कोचिंग, सो लिसन दी videos or you can watch the videos of any YouTuber as well as the associated with the coaching, so आप अपने mentor की class attend कर सकते हैं, उसके बाद आप books पढ़ें तो आपको ज़्यादा clarity होगी, because आप coaching का material देखोगे तो उसमें भी क्या है थोड़ी थोड़ी mistakes I have seen। तो पेपर वन के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, जो हमारी पहली यूनिट है दैट इज दी माइक्रोबायोलॉजी, सो माइक्रोबायोलॉजी के लिए प्रेस कोर्स माइक्रोबायोलॉजी, एंड यू कैन ऑल्सो वॉच माय लेक्चर्स, दैट इज वेरी इन इजी वे टू मैंने डिस्क्राइब किए हैं। नेक्स्ट वी हैव दी प्लांट पैथोलॉजी के लिए, प्लांट पैथोलॉजी के लिए आप बाय जॉर्ज एंड ग्रोरियस फॉलो कर सकते हैं, एज वेल एज दी क्रिप्टोगैम्स के लिए जो आपके कोर बोटनी जिम्नो एनजीओ, तो जो क्रिप्टोगैम्स के लिए आप पांडे एंड जैन की बुक फॉलो कर सकते हैं, आपका जो जिम्नो है उसके लिए एस पी भट्टानगर वाली बुक जो है बहुत अच्छी बुक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, और एंजियोस्पर्म के लिए दैट इज दी सिस्टमैटिक्स एंड फैमिलीज के लिए आप गुरुचरण सिंह की बुक फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी के लिए आप बीपी पांडे की बुक फॉलो कर सकते हैं, हमें जो सोर्सेज क्या है लिमिटेड रखना है, ज्यादा सारे एक अगर जैसे मैंने आपको बोल दिया प्लांट एनाटॉमी के लिए, तो प्लांट एनाटॉमी के लिए चार बुक फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट फॉलो वन बुक एंड द लेक्चर्स ऑफ योर मेंटर, दैट्स इट।
प्लांट एनाटॉमी के लिए आप बीपी पांडे की बुक फॉलो कर सकते हैं, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के लिए इट इज द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म बाय संत सरन भोजवानी एंड एसपी भटनागर की बुक फॉलो कर सकते हैं, मॉर्फोजेनेसिस के लिए आप प्लांट टिश्यू कल्चर की थ्योरी एंड प्रैक्टिस बाय एसएस भोजवानी एंड एमके राजदान की बुक फॉलो कर सकते हैं, प्लांट रिसोर्सेज के लिए आप दैट इज द कोचर की बुक फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, एक एक स्पीशीज के बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है। नेक्स्ट है हमारे पास पेपर टू के लिए, तो पेपर टू में आपकी सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, बायोटेक, बायोस्टैट्स के लिए, तो बायोस्टैट्स के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट थोड़ा आपको इसमें भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इफ यू आर फ्रॉम बॉटनी स्टूडेंट, अगर आप बॉटनी स्टूडेंट हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन में तो जैसे डीयू का है, डीयू के सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स तो नहीं होती है, बट अगर आपका बेसिक्स मैथ स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन चूज द बुक दैट इज द वीर बाला रस्तोगी की बुक फॉलो कर सकते हैं आप। सेल बायो के लिए आप काफ सेल बायोलॉजी एंड काफ केरल की बुक फॉलो कर सकते हैं, एज वेल एज द जेनेटिक्स के लिए आप क्लंग एंड क्यूमिस की बुक फॉलो कर सकते हैं, प्लांट ब्रीडिंग के लिए दैट इज द बी डी सिंह की बुक बहुत अच्छी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए दैट इज द होराइजन बाय द बी डी सिंह। अब यू कैन चेक की जो हमारे टॉपिक्स हैं उनके लिए, जैसे प्लांट ब्रीडिंग के लिए हमें एक ही बुक फॉलो करनी है बी डी सिंह, बायोटेक्निक के लिए भी एक ही बुक फॉलो करनी है, मीन्स हम मैं क्या चाह रही हूँ कि आपके रिसोर्सेज क्या हों, लिमिटेड रहें। प्लांट फिजियोलॉजी के लिए आप दैट इज द जिंजर एंड लिनकोलन तेज की बुक फॉलो कर सकते हैं, इकोलॉजी एंड प्लांट जियोग्राफी के लिए आप कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं, दैट इज द डॉक्टर बी डी शर्मा एंड रिसोर्सेज फ्रॉम द न्यूज पेपर एज वेल एज द मैगजीन एंड बहुत सारे वेब रिसोर्सेज भी होते हैं, आप वो फॉलो कर सकते हैं। जो इकोलॉजी वाली यूनिट है दैट इज द कॉमन टॉपिक्स दैट इज रिलेटेड टू योर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, और जो बॉटनी वाले बच्चे होंगे उनके लिए थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि आगे प्लांट सक्सेशन क्या होता है, पॉल्यूशन क्या है, इनके बारे में सब हमें पढ़ना होता है। सो दैट्स ऑल, इन द नेक्स्ट क्लास हम एक एक टॉपिक जो जितने भी हमारे यूनिट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उसके सब टॉपिक्स रहेंगे और आपको कैसे और अच्छे से प्रिपरेशन करना है। So thank you, have a nice day.